हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का उन्नति अकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरा ही डिटेल सिलेबस कि ग्रेड टू के अंदर हमारा क्या सिलेबस होने वाला है। एमपीटेट ग्रेड टू संविदा शिक्षक वर्ग दो के अंदर हमारा डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर, उसके बारे में मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, तो ग्रेड टू का सिलेबस हम मैथ्स का देख रहे हैं, जो कि हमारा 120 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सिलेबस हम पढ़ने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है। तो ये स्पेशली मेंशन किया गया है, ये हमारा 9th to 10th लेवल का हमारा सिलेबस रहने वाला है। और इस सिलेबस का जो डिफिकल्टी लेवल होगा ये हमारा अप टू ग्रेजुएशन तक होगा। स्पेशली मेंशन किया गया है उसके अंदर कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो हमारा यहाँ पर ग्रेजुएशन करेगा। जब आप नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड करेंगे तो उसमें जस्ट जैसे ही हमारा जो सिलेबस पोर्शन स्टार्ट होता है वहाँ पर ऐसा लिखा गया है स्पेशली कि 9th से 10th लेवल का हमारा क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन तक करेगा। और इसको दोस्तों हम बिल्कुल भी पूरा अरिथमेटिक नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पर रखी गई है। और एक्चुअल में जो आज के टाइम पर अगर अपन बात करें, जो एमपीटेट के थ्रू ग्रेड टू के अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा, मतलब जैसे एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे 6th to 8th क्लास के लिए। तो अप टू 10th स्टैंडर्ड का वो यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए, तो डेट समय को बर्बाद ना करते हुए बिल्कुल डिटेल में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर दिया गया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर पर बेस्ड जितने भी हमारे होते हैं 8 से 10 टाइप इसके अंदर होते हैं, अप्रॉक्स 10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे ही हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फ्रैक्शन टॉपिक है, भिन्न है, इसको भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10 टाइप के हमारे मेनली फ्रैक्शंस होते हैं और उनके अंदर भी फिर जो भी चीजें हमारी होती है, ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें यहाँ पर, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन और उनका एडिशन हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। और एक सर्ड और इंडिसेस करकर एक टॉपिक होता है, कर्णीय एवं घातांक करकर, जो पावर और एक्सपोनेंट्स के नाम से है, 6th-7th स्टैंडर्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो वही टॉपिक का नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने सर्ड और इंडिसेस के नाम से कर्णीय एवं घातांक, हिंदी वाले लोग कुछ लिखते भी चल रहे हैं तो आप लिखना चाहो तो कर्णीय एवं घातांक के नाम से टॉपिक यहाँ पर रखा है। उसके बाद अगला टॉपिक जो इसके अंदर सिलेबस का पार्ट है, दैट इज पॉलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, बहुपद और परिमेय व्यंजक, जो हमारे बड़ी बड़ी इक्वेशंस दिखती है आपको याद हो तो उनको हम तोड़कर छोटा करते थे, वो हमारा रैशनल एक्सप्रेशंस के अंदर आता था। और ऐसे पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारा इक्वेशंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हमारी होती है, इसमें दे रखा संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब जो एक्सप्रेशंस हमारी होती है, जो हमारी इक्वेशंस वगैरह होती है, उनका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड भी यहाँ पर हो सकता है, जो इक्वेशंस वगैरह होती है हमारी, ठीक है, उनका। ऐसे फिर अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि हमारा अरिथमेटिक का पोर्शन है, एक होता है हमारा यूनिटरी मेथड। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड भी, 2 रुपए का 10 आम तो 15 रुपए के कितने आम होंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे यूनिटरी मेथड के अंदर आते हैं। और अच्छा, यूनिटरी मेथड एक ऐसा टॉपिक है जिससे कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई से भी टॉपिक, टाइम एंड वर्क इसके अंदर आ सकता है, यूनिटरी मेथड के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं यूनिटरी मेथड के अंदर, एज अ बेसिक फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज हमारा टॉपिक हो गया। अब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट लॉस भी साथ साथ हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा यूनिटरी मेथड के अंदर प्रॉफिट लॉस आ जाता है। ठीक है, तो हम इनको साथ साथ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट वेरियंस और इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एक टॉपिक का ही पार्ट है हमारा अगर देखा जाए तो। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट और इनवर्स करके होते हैं हमारे, जो दो दो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे फिर अगला टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने पढ़े होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी स्पेसिफिकली यहाँ पर सिलेबस के अंदर दिया गया है। मतलब मेजर जो मैंने समझने की कोशिश की इसके कोर्स सिलेबस को, इसमें पूरा हमने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास को कवर करने की कोशिश यहाँ पर करी है। अगला है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टॉपिक हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद लीनियर मतलब से एक चर वाले, केवल एक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस को दे रखा, केवल जैसे एक्स प्लस 3 = 5 दे रखा है। अगर दो हमारे यहाँ पर क्या जाए, एक चर वाला और दो चर वाले दोनों प्रकार के यहाँ पर अपने को दिया गया है। ठीक है, लीनियर में एक चर आ जाएगा और यहाँ पर 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, दो हमारा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी दिया गया है तो वो दो चर राशियों का रेखीय समीकरण हमारा यहाँ पर
कहलाएगा। ठीक है, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय अलजेब्रिक जो हमारी मेथड्स वगैरह होती है किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है उसको लाइक फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना, कुछ भी मतलब होता है, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर सीखना है। ये मेजर पोर्शन थोड़ा सा अलजेब्रा है भी, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक होता है ज्योमेट्री हमारा। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक होता है ये, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा डिटेल में, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है, पहले भी पता है 9th से 10th लेवल तक का सिलेबस होगा। ठीक है, 9th to 10th लेवल तक का सिलेबस होगा, और उसको जो थोड़ा सा हमारा वापस वीडियो को मैं कंटिन्यू यहाँ पर कर रहा हूँ, थोड़ा सा छुट गया था यहाँ से, देखिएगा। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्री का पार्ट डिस्कस किया, इसके बाद हमें क्या करना है, 9th to 10th लेवल तक का हमारा क्या रहेगा, सिलेबस का पार्ट रहेगा, और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है मतलब 9th to 10th तक का हमारा सिलेबस रहेगा, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है जो क्वेश्चन का, वो आपको ग्रेजुएशन अब तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना सीखना, क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना सीखना। ठीक है, और मेंस ड्यूरेशन एक टॉपिक है जो कि डिटेल में हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। स्टैटिक्स का हो गया पार्ट हमारा, पूरा स्टैटिक्स हमें यहाँ पर देखना है, काफी टॉपिक्स इसके अंदर दिए हैं। डीआई एक टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट आपका, टेबुलेशन वगैरह, वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे हिस्टोग्राम है, आयत चित्र बोलते हैं इसको, कैसे हमें वहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है वो हमें यहाँ पर सीखना है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, माध्य, मध्यिका और बहुलक, इन तीनों टॉपिक्स को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, अप टू हमारा 8th to 10th standard तक के सिलेबस का मेन पार्ट है ये चीज़ें। ऐसे आवृत्ति संचय, वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुपुज, ये जैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, इसी तरीके से इसको भी बनाया जाता है। जैसे बार ग्राफ के ऊपर हमें बनाना है, सपोज आवृत्ति संचय बनाना, कैसे बनाना, वृत्त चित्र कैसे बनाना, आवृत्ति बहुपद, तो ये सब चीजें भी हम वहां पर बनाना सीखने वाले हैं। और जैसे कि दोस्तों इसके अंदर 120 मार्क्स का हमारा सिलेबस है, इस 120 मार्क्स सिलेबस के अंदर कुछ पोर्शन हमारा मैथ्स का रहेगा, और उसी के अंदर मैथ्स की पेडागोजी रहेगी, और कुछ पोर्शन हमारा बहुत ही नॉमिनल जो पोर्शन है वो साइंस का रहेगा। मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे पिछली बार क्या होता था कि हमारा 50 मार्क्स का मैथ्स होता था, जिसके अंदर 15 मार्क्स का हमारा पेडागोजी होता था, तो 45 मार्क्स का हमारा मैथ्स होता था। उस तरह से हम अभी भी अगर मान के चले कि 120 का 25% तो अप्रोक्स मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, पेडागोजी के हो सकते हैं, और बाकी का जो रिमेनिंग 10 से 12 नंबर का हम बोल सकते हैं साइंस का पोर्शन हो सकता है, और रिमेनिंग जो हमारा बचता है वो पूरा का पूरा 80-90 मार्क्स का हमारा, 80 मार्क्स तक हमारा मैथ्स का पोर्शन यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर समस्या क्या है कि माइनस मार्किंग है, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा इसके अंदर, काफी क्वेश्चन, जैसे 80 मार्क्स का अगर मैथ्स आता है तो इसके अंदर 15 नंबर का हमारा थ्योरी पोर्शन आएगा, तो इसलिए उनमें माइनस मार्किंग में नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें सारी चीजों को पूरे का पूरा फोकस करके यहाँ पर चलना पड़ेगा, कुछ भी चीजें हम छोड़ नहीं सकते। सारे टॉपिक ऐसे हैं, थोड़ा सा अजीबोगरीब टॉपिक है, जैसे जो लोगों ने अरिथमेटिक पढ़ा था उनके लिए क्या होता है कि अरिथमेटिक बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये सारा सिलेबस थोड़ा अरिथमेटिक से हटकर सिलेबस है, इसको हम डायरेक्ट वो नहीं बोल सकते, इसके अंदर सारी ही चीजें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं, हायर मैथ्स जिसको हम कहते हैं, तो उसका यहाँ पर पोर्शन रखा गया है। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, इसको मैं डिटेल में भी बहुत जल्दी ही इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, 1x1 यूट्यूब के ऊपर ही क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सभी लोग बिल्कुल इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलते रहे। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।